प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ख़तरनाक रास्ता है ये तो, एक एक ईंट रख के लोग ने ऊपर बना दिया है, नहीं तो बहुत ख़तरनाक रास्ता था ये, और काफ़ी लोग गिरते भी यहाँ से उड़ेंगे। चलो देखते आगे। हे गाइस, हे गाइस, एंट्री कर रहे हैं अंदर, ठीक है, चल रहे हैं अंदर। आज पानी इतना नहीं है, नहीं तो इसके ऊपर तक पानी बहता है। हाजी अली दरगाह के पीछे का जो नज़ारा है वो देखने लायक है, बहुत पब्लिक है और बहुत मज़ा आने वाला है। आज मैं हाजी अली जाने वाला हूँ, हाजी अली दरगाह, ऐसी दरगाह जो पूरे मुंबई में और पूरे मुंबई महाराष्ट्र क्या पूरे इंडिया में मशहूर है। फ़िलहाल मैं दादर स्टेशन पे हूँ, स्लो ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। ट्रेन तो बहुत सारी है, ट्रेन लेके स्लो ट्रेन से मैं उतरूँगा महालक्ष्मी स्टेशन। महालक्ष्मी स्टेशन उतरने के बाद में वहाँ से फिर हम टैक्सी करेंगे या बस मिली हमें तो बस करेंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं। ट्रेन लगी है, 3:11 की ट्रेन है, स्लो ट्रेन है, देखते कब आती और फिर पकड़ते हैं। 9 लिखा हुआ है, देखते कितने टाइम में आती है। महालक्ष्मी स्टेशन हम लोग उतर चुके हैं, महालक्ष्मी उतर के अभी हम लोग वेस्ट में जाएंगे, और वेस्ट में जाने के बाद आपको बताता हूँ मैं। मैं ब्रिज पे हूँ और ब्रिज से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ये नया ब्रिज बना है, ज़्यादा बेहतर रहेगा, चलते देखते। टैक्सी है, सीट्स के हिसाब से मिलती है यहाँ पे, तो अपन सीट के हिसाब से ही जाएंगे हम लोग, देखते। आवाज़ लगाते रहते हैं, हाजी अली हाजी अली, अभी देखते हैं क्या सीट है, कितने रुपए सीट है। सब टैक्सी यहाँ पे लाइन से लगी हुई है, अभी एक टैक्सी लेंगे और सीधा यहाँ से देखो भाई भर रहे हाजी अली दरगाह के लिए। देखते अभी पूछते कितने रुपए सीट है और निकलते हैं यहाँ से। मुश्किल से 5 से 10, 10 से 12 का रास्ता है यहाँ से गाड़ी से। भाई टैक्सी मिल गई है 20, कितना 15 रुपए सीट बोले भाई, 15 रुपए सीट है हाजी अली दरगाह के गेट पे छोड़ेंगे। चलो देखते आगे। हे गाइस, तो मैं यहाँ उतर चुका हूँ, उतरने के बाद अभी नीचे से यहाँ से हम लोग क्रॉस करेंगे, नीचे बना हुआ रास्ता जाने का वो साइड में, और ये मेन सिग्नल है हाजी अली का। और ये सामने गेट है, बट यहाँ से हम जा नहीं सकते, हम जाएंगे नीचे से उतर के, सबवे से जाएंगे नीचे से, क्रॉस करते हैं। भाई जो भी क्रॉस करे, रास्ता देख के क्रॉस करे, गाड़ियाँ बहुत स्पीड में आती है, मेन मुंबई है, और गाड़ी सिग्नल देख के ही क्रॉस करे, अभी सिग्नल लगा नहीं है, सिग्नल लगते ही क्रॉस करेंगे हम। चलो क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते हैं, सबवे की तरफ चलते हैं। वो दोस्ती नहीं वाला चीज़ क्या? और इधर पूरा बैरिकेड लगा हुआ है, बैरिकेड लगा है, अभी बहुत रश हो जाता है, बस संडे को सैटरडे को बहुत रश रहता है। उस सबवे के नीचे भी है ना बाजार लगा हुआ है पूरा, सबवे के नीचे भी पूरा बाजार है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो
बहुत बाजार लगे सब वो बहुत पब्लिक है यहाँ पे पब्लिक देखो बाजार में संडे को तो भाई पैर रखने को जगह नहीं रहती यहाँ पे। संडे को अगर आप आने वाले तो सोच समझ के आना और अपने जेब संभाल के पॉकेट संभाल के। चोरी भी यहाँ वैसे ही होती है जैसी भीड़ होती है यहाँ पे। क्रॉस कर लिया अभी ऊपर से 20 का समोसा दे रहा 20 के 6 समोसे दे रहा। बाहर आ चुका हूँ और भी मैं जो उतरा था वो उस तरफ था नीचे से सबवे के हम आके यहाँ से निकल गए अभी यहाँ पे आए और यहाँ से सीधा जाके आगे से ही गेट है गेट में एंट्री करेंगे देखते हैं अभी चलते हैं ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं अंदर एंट्री कर रहे हैं अंदर ठीक है तो चल रहे हैं अंदर। भाई अंदर तो चले आए हम वीडियो निकाल रहा हूँ वो भी ऐसी सुने होंगे शायद आपने वीडियो में कि मना कर रहे हो लोग वीडियो वगैरह बनाने के लिए क्योंकि बोल रहे हैं कि परमिशन नहीं है ये वो कैमरे लगे हुए हैं। मगर ठीक है फिर भी मैं निकाल रहा हूँ वीडियो जो होगा देखा जाएगा। आप लोगों के लिए इतना रिस्क तो ले ही सकता हूँ ना। और ये पूरा मेट्रो का काम चालू है अभी मेट्रो बोल रहा हूँ ये पूरा ब्रिज का कोस्टल रोड का काम चालू है लगभग काम हो गए ये पूरा कोस्टल रोड का काम चालू है और ये यहाँ तक बंद कर दिया है। और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा हाजेली दरगाह का मीनार 2 मिनट का रास्ता है अंदर चलते कोस्टल रोड का काम चालू है काफ़ी काम हो चुका है इसका। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का पानी यहाँ पे बहुत होता है पूरा रोड इसके ऊपर तक पानी रहता है कभी कभार होता है कभी नहीं होता है आज पानी इतना नहीं है नहीं तो इसके ऊपर तक पानी बहता है। और उस टाइम पे कुछ एक अलग ही मज़ा आता है चलने का चारों तरफ से पूरी लहरें आती है और पूरा पानी उड़ता है उसका एक अलग ही मज़ा होता है अक्सर दोपहर के टाइम पर होता है उतना अभी शायद आज पानी नहीं है। इस वक्त मैं हूँ हाजेली दरगाह के पीछे हाजेली दरगाह के पीछे का जो नज़ारा है वो देखने लायक है बहुत पब्लिक है और बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत मज़ा आता भी है यहाँ पे लहरें जो है बहुत तेज़ लहरें आती है और पानी भी काफ़ी साफ है इस तरफ का पानी साफ है और यहाँ पे थोड़ा गंदा है हम लोग उस तरफ ही जाएंगे चलो देखते हैं। भाई जो भी आएगा ना यहाँ से संभाल के उतरना ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है ये तो एक एक गेट रख के लोग ने ऊपर बना दिया है नहीं तो बहुत ख़तरनाक रास्ता था ये
और काफ़ी लोग गिरते भी हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के उतरना। ये मस्जिद का एरिया है, दरगाह के पीछे मस्जिद का एरिया, माशाल्लाह पूरे संगे मरमर से बना हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस बारिश हो गई थी, बहुत बारिश हो गई थी। बारिश होने के बाद में हम लोग वहाँ, मैं बंद कर दिया था कैमरा वगैरह, बारिश होने के बाद मोबाइल कैमरा वगैरह बंद करके फिर हम लोग मैं वापस आ गया अभी महालक्ष्मी स्टेशन पे, और यहाँ का आप व्यू देख सकते हो। मेरे बैक साइड में भी व्यू देख सकते हो आप, बहुत ऊँची ऊँची बिल्डिंग है और इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। आप आओगे तो ऐसा दिल करेगा भाई आप यहाँ पे बैठे रहो और सुकून से बातें करते रहो। तो आज की वीडियो मेरी यहीं पे समाप्त होती है, और बिजली कड़क रही है, आज की वीडियो मेरी यहीं पे समाप्त होती है, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह कुछ नई जगह, कुछ दूसरी जगह पे। और जब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। और ये मेरे पीछे इंजन जा रहा है।